ਸਤਿਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁੱਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ, तो उठे भी मैं जाके आए हैं। अभी जथेबंदियाँ और कोई भी किसान इतने नहीं पहुँचे, तो मैं थोड़ी कृपा के नाल किसान जथेबंदियों के बुलावे से आपके फर्जा की पूर्ति करता हो अज इतने पहुँच गया। तो दोस्तों अज मैं जो रास्ते में आ रहा सी मैंने एक वट्सअप आया कि मैं किसी दत्रा पढ़ रहा सी, क्योंकि कई बार ना लिखन वाले ऐसी गल लिख देंगे कि जी थोड़े जज्बातों को दुगना कर देती है, थोड़े हौसला कर। तो किसी ने लिखा कि दुश्मन कहता जी कि अज की सरकार कहती, किसी लिखा कहता तू देखिया ये इन्नी ठंड च भी ट्रैक्टर ट्रालियां लैके तुर पे, कहता तू देखिया कि ये इन्नी ठंड च भी ट्रैक्टर ट्रालियां लैके तुर पे। अगों जवाब मिलता है मैं क्या तू शायद ठंडे बुरज बारे भुल। फिर वो कहता कहता सामने पानी दियां पुछाड़ा भी ने। अगों फिर जवाब मिलता मैं क्या सामने तक कदे सरसा नदी ते अटक दरिया भी सी। फिर कहता है ना दिल्ली बड़ी दूर है, जो जवाब देंदे मेरे भरा मैं क्या 12 बार जीती है। फिर अगों कहता 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 मरो फिर तुसी, कहता मरो उदा कुछ नहीं हो सकता। मैं क्या इतिहास पढ़, असी तो जम्मे ही मरने वास्ते हाँ, ये पंजाबियों का इतिहास है। साहिबे कमाल कलगीधर पातशाह श्री गोबिंद सिंह जी महाराज, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, वो उन्होंने सानू पानी ओदियां रातां, ये उही ठंडिया रातां जिस विच साढ़े गुरुआ ने लड़ाई लड़ी। तो मैं सलाम करदा पहला तो किसान जथेबंदियों, खास करके मेरे उन्होंने किसान भरावान जिन्होंने ये बीड़ा चुकया, बीड़ा चुकया पंजाब के लोगों ने बचा। तो असी तो उन्होंने मोढ़े ना मोढ़ा ला के जो उन्होंने फरमान है, जो उन्होंने हुक्म है, और पहरा दे सलाम थोड़े जज्बे में सलाम। तो दोस्तों दिल्ली पहुंच गए हैं। मैं नाल ही नाल ये भी कहना चाहूँगा अपने भरावान किसान वीरां कि दुश्मन बड़ा तेज तरह है, बड़ा दिमागी है, ते पंजाब की लोग जेड़े तुसी हो वो दिल तो दब लो, क्योंकि तुसी प्यार कर दो। अज मैं देखा कि दिल्ली पुलिस को लंगर खवाया जा रहा है, बॉर्डर से जी पुलिस रोकने वास्ते खड़ी है, उन्होंने पंजाबी भरा साडे किसान जथेबंदियां लंगर छका रही है, जिन्हां नाल लड़ाई है, जिन्हां नूं हुकमरान सरकार ने रोकने वास्ते लाया है। लेकिन एक गल मेरी ध्यान नाल रखो, ध्यान नाल अगर चंगी लगे तो मनो, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसे नाल कोई अपना अंदोलन अहिंसा का रूप ले, किसी भी तरह का कोई ऐसा काम नहीं करना जिसे नाल अपना कानून व्यवस्था नू आपके हाथ में ले। क्योंकि शायद बहुत सारे मीडिया चैनल इन्हां दे एक ही अपना छोटा जा काम, क्योंकि
बंदे नू जदों रोकी जाना जान बुझ के छेड़ना क्योंकि गुस्सा शांतमई तरीके नाल आ रहे ते कई वारी गुस्सा भी आ जाए लेकिन आपके गुस्से पे जरा कंट्रोल रखना है क्योंकि दुश्मन चाहता है कि असी कोई गलती करिए ते फिर तमाम चैनल वाले ये गल कहें कि देखो किसानों ने आ काम करता इस करके सानू आ करना पिया। ऐसा कोई मौका नहीं देना, ऐसा कोई मौका नहीं देना जिदे नाल साडे अंदोलन नू कोई होर दिशा दिती जावे। असी ऐसा कोई मौका नहीं देना। तो बिल्कुल इस तरह डटे रहो, सद के जाइए। थोड़े तुसीं जिन्नी हला दिती है अज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे कि रात को उन्होंने नींद नहीं आएगी। पंजाब का किसान बार्डर से बैठा, थोड़े नाल सौदेबाजी होंगी है। फैसला तुसी लैं, असी कोई नहीं। फैसला तमाम आगू साहबान जिन्हें भी जथेबंदी के आगू साहबान ने उन्होंने लेना। असी तो थोड़े फैसले को सलाम करा। बेशक वह बार्डर से बहन का फैसला हो, बेशक वो रामलीला का फैसला हो, बेशक वो जंतर मंत्र का फैसला हो, जो थोड़ा फैसला होगा असी और फुल चढ़ाव। कई बार कई बंदे कह देंगे जिसे लैंड ऑर्डिनेंस जो होया मैं उदो ऑल इंडिया का प्रधान सी, बड़िया लड़ाइया लड़िया, बड़िया डांगा भी खाई। कई बार बंदे कल कह रहे थे पुलिस ने फड़िया तो चले गए। मैं इस अंदोलन में कोई भी ऐसा काम ना हो जिसे राही कोई अंदोलन वो रूप धारण कर। मैं ये भी डर रहा, मैं इस बारे भी सोचता रहना कि कोई किसान भरा ना यह गल कह दे कि राजे बड़ी ने सारा अंदोलन खराब करता या इन्हें आता काम ही करता। इस करके शांतमई तरीके किसी ने रोकया, मैं रोकया, लेकिन मेरा टीचा तो मेरा निशाना दिल्ली से, क्योंकि मैं दिल्ली आ रहा। दिल्ली एक संबोलिक मैसेज देना सी मेरे पंजाबी भरावान कि किसान भरा दो ढाई ढाई महीने हो गए उन्होंने संघर्ष कर रहे तो अपना फर्ज बनता है कि आप भी आपके परिवार का कोई एक दिन, कोई एक घंटा, कोई दो दिन, कोई दो महीने आपका योगदान पाए। सो मैं वो योगदान पाने वास्ते आए हैं। मन में कई गल्लां भी चलदियां रहिंदियां, कई बार धरने प्रदर्शन पर जाइदा, कई भरा कह देंगे यार तुसीं इत्थे की लाना है, तुसीं तां कांग्रेसी हो। मैं कांग्रेसी हाँ, तुसीं तां पॉलिटिशियन हो, MLA हो, MLA हाँ, लेकिन सब तो पहला मैं किसान का पुत्र हूँ। मैं इस करके किसान एकता जिंदाबाद का हरा झंडा लैके चलिया क्योंकि तो ये किसी पार्टी नाल कोई संबंध नहीं है। कई बार दिलता करता कि तुम टोल प्लाजा पर जो बैठे हो असी उत्थे जाके बैठिए, पर कई बार ये भी लगता कि कोई दो भरा कई बार उठ के कह दें कि तुम क्यों आए। कई बार एक दो किसान जथेबंदियों ने गल भी की कि असं पिछे आके बैठ जाए, लेकिन अगला हुक्म तुहाडा होगा। असी जो किसान भरावान का हुक्म होएगा, मेरी बेनती है चाहे वह किसी पार्टी का नुमाइंदा है, चाहे पंजाब का किसी जाति संबंध रखने वाला, चाहे किसी कारोबार का संबंध रखने वाला, हर व्यक्ति का एक फर्ज बनता है कि असी किसान भरावान की मदद करिए, उन्होंने लाभ करिए। तो एक होर बेनती करना चाहना पंजाब के लोगों को, किसान अगर इतने लंबा समा बह जाते तो साड़ी ड्यूटी बनती है कि उन्होंने मगरों बैकअप समान, उन्होंने राशन, उन्होंने होर चीज़ा पहुँचाया। आप हर व्यक्ति को आपकी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कोई रुपये कोई 50 का पा सकता, कोई 100 का पा सकता, कोई 500 का पा सकता, कोई 1000 का पा सकता, जिन्ना चीज़ा बित है। असी इन्हों जथेबंदियों की मगरों सारे भरावान ने जो पंजाब बैठे मदद करनी है। तो खास करके कई भरा मेरे फेसबुक की गली चलाने, मेरी उन्होंने भी बेनती है कि एक एक दिन, दो दो दिन कढ़ के तुसी सारिया ने इस अंदोलन के हिस्सा पाना है। मेरी घरवाली दे आउण का मतलब यह सीगा कि मैं
ਆਪ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਤਕੜੇ ਰਹੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਜਿਸ ਕੇ ਪਾਓ ਮੇਂ ਤਾਕਤ ਵੋ ਚਲ ਕੇ ਰਹਿਤਾ ਜਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਏ ਵੋ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿਤਾ ਉਹ ਜਿਸ ਚਿਰਾਗ ਮੇਂ ਤਾਕਤ ਉਜਾਲਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਲਾਗ ਹੋ ਜਾਏ ਵੋ ਚਲ ਕੇ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠਣ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣ ਅਕਸਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਸੋ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਉਹ ਗਿੱਦੜਵਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਸਪੂਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੈਰੀਗੇਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਬੈਰੀਗੇਟ 'ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਗਲਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਇੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬੜੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਊਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾਓ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨਵੇਕਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤੁਰੇ ਵੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ